नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, अमृतानंदमयी मठ की प्रमुख मां अमृता, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। अस्पताल का निर्माण माता अमृतानंदमयी मिशन ट्रस्ट की ओर से किया गया। हालांकि इसे निजी क्षेत्र का ही माना जाएगा, लेकिन ट्रस्ट की प्रमुख आध्यात्मिक गुरु माँ अमृतानंदमयी की जिस तरह से सेवा भावना वाली छवि है, उसे देखते हुए इस अस्पताल का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंदों को बेहतर रियायती दर पर देने की बात अस्पताल से जुड़े अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसका स्वरूप क्या होगा, यह आने वाला समय में ही पता चलेगा। यह एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल निदेशक डॉक्टर संजीव के सिंह के अनुसार अम्मा यानी माता अमृतानंदमयी के आशीर्वाद से 2 साल बाद अस्पताल में बेड की संख्या बढ़कर 750 और 5 साल में 1000 बेड की हो जाएगी। इसमें 534 क्रिटिकल केयर बेड भी शामिल होंगे। फिर चरण दर चरण इसमें विस्तार करते हुए 2600 बेड का अस्पताल जनता को समर्पित होगा। अस्पताल प्रबंधकों के दावे पर यकीन करें तो यह देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक अस्पताल होगा। इस अस्पताल के शुरू होने से दिल्ली NCR के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आधुनिक उपचार संबंधी सुविधाएं मिलेंगी। जरूरतमंदों को रियायती दर पर उपचार के बारे में मेडिकल निदेशक ने कहा कि देश भर में विभिन्न अस्पतालों में जरूरतमंदों व निर्धन वर्ग के निशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं दी जाती हैं, पर उससे पहले इसकी जांच की जाती है कि संबंधित पर पृष्ठभूमि क्या है और क्या वास्तव में उसको जरूरत है। अस्पताल का आंतरिक ऑडिट भी होता है, जिसमें डॉक्टर क्या दवा लिखते हैं इस पर भी नज़र रखी जाती है। तो दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े अस्पताल जिसे नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ये अस्पताल अपनी नियमों पर कितना खरा उतरता है और कितना पब्लिक के लिए भागीदारी बनता है, कितना पब्लिक इससे अपना लाभ ले सकती है, ये तो समय ही बताएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।